हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एसेंशियल के बारे में, एक ऐसे सीरम के बारे में जो आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स और पिगमेंट को खत्म करेगा, आपकी स्किन को फ्लॉलेस करेगा, क्लियर करेगा, ग्लो देगा आपकी स्किन के ऊपर। हम लोग अक्सर मेकअप क्यों करते हैं? हम लोग मेकअप जब करते हैं क्योंकि हमें अपनी स्किन की इनप्योरिटीज को छुपाना होता है। हमारे स्किन के ऊपर जब कुछ स्पॉट्स होते हैं, कुछ पैचेस होते हैं, उसको हम मेकअप के थ्रू छुपाने का काम करते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ इस प्रकार का कुछ भी एजिंग साइन ना हो, कुछ भी आपकी स्किन के ऊपर पैचेस ना हो, कुछ भी आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स ना हो, तो कैसा मजा आएगा? आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप भी पा सकेंगे वो ग्लास शाइन जो आजकल हर किसी की चाहत है। स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो, स्किन के ऊपर एक नेचुरल ब्राइटनेस चाहते हैं, स्किन के ऊपर वो ग्लास शाइन चाहते हैं जो बिना किसी मेकअप के आपको मिलनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपने एकदम सही क्लिक किया है। आज का ये जो सीरम, आज का ये जो एसेंशियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मात्र 4 इंग्रेडिएंट है, चारों के चारों आपके घर में है और चारों को आपने ध्यान से सुनना है, एग्जीक्यूट करना है, अंडरस्टैंड करके इस सीरम को आपने बनाना है। मार्केट में खरीदने जाएंगे तो यही सीरम आपको 1500 से 2000 तक का मिलेगा, लेकिन घर पर मात्र 10 से 15 रुपए में। देखिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग फाइन लाइंस दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी स्किन सैग कर रही है या आपकी स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं वो क्लॉज हो गए हैं, तो क्या चीज अपनी स्किन पे लगाएं कि इस प्रॉब्लम से भी हमें निजात मिल जाए, तो आप वो भी आपको आज के इसी रेमेडी में देखने को मिल जाए। आज का जो ब्यूटी एसेंशियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आपने दिन में 2 बार कम से कम लगाना है, अप्लाई करना है अपने चेहरे के ऊपर, और 15 दिन तक अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो आप अपनी स्किन का एक बेस्ट वर्जन अचीव करने में सक्सेसफुल हो। सबसे पहले हमें लेना है कोई भी एक सोर्स जो कि विटामिन ई का है। आप यहाँ पर रोगन बादाम ऑयल ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप यहाँ पर जैतून का तेल ले सकते हैं। इसमें पाया जाता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में, जो हमारी स्किन की एजिंग के लिए भी काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के स्कार्स होते हैं, अगर हमारी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के पैचेस हैं, अनइवन स्किन टोन है, उसके ऊपर विटामिन ई का हमारा जो ऑयल है बहुत बढ़िया से काम करता है। अर्ली साइन ऑफ एजिंग आ रहे हैं आपकी स्किन के ऊपर, किसी भी प्रकार के एजिंग फाइन लाइन दिखाई दे रहे हैं, फाइन लाइन रिंकल्स अगर आ गए हैं, तो आपको विटामिन ई का कोई भी एक सोर्स अपनी स्किन को लगातार देना चाहिए, रेगुलर तौर पे देना चाहिए। इसके साथ ही मार्केट में इतने सारे रेटिनॉल जो आ रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के स्कार्स और एजिंग के ऊपर ही काम करता है, और मार्केट में तो ये बहुत महंगे मिलते हैं, आप जानते हैं। तो वही एक बहुत बढ़िया सोर्स हमें हमारे घर पर मिल जाता है विटामिन ई के रूप में। जो चलते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो की है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में ना कोई कलर होता है और ना ही कोई खुशबू होती है। काफी लोग ये सोचते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर इसको लगाने से हमारी स्किन चिपचिपी हो जाएगी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट फॉर्म में आप इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिप करेगी, तो आप इसको बना सकते हैं रोज वाटर के साथ में, ठीक है। अगर आप सिंपली नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर आप रोज वाटर के साथ में इसको मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएंगे, तो आपका स्किन एकदम से मॉइस्चराइज हो जाएगा। ड्राई स्किन वालों के लिए ये एकदम वरदान है। ड्राई स्किन वाले अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गए अपनी स्किन की ड्राइनेस से, अपने स्किन के ऊपर बनने वाले किसी भी प्रकार की डल स्किन से, तो आपको ग्लिसरीन को रोज वाटर के साथ में रेगुलर तौर पे लगाना चाहिए। और आज का ये जो एसेंशियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको तो आप बना के 15 दिन करके देख लो, आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन टोन को लाइटन अप करता है। 2 टोन की अगर प्रॉब्लम हो गई, यानी कि फेस का कलर अलग हो गया, माथे पे कलर अलग है, चीक्स के ऊपर कलर अलग है, गर्दन का कलर अलग है, तो यह आपके उस स्किन टोन को भी फिक्स करता है, आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, कलर को फेयर करता है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। इंग्रेडिएंट नंबर 3 में मैं आपको बता रही हूँ एलोवेरा जेल आपको इसमें लेना है। एलोवेरा आपके एक्ने को दूर करती है, आपके डार्क सर्कल को दूर करती है, एजिंग साइन आने नहीं देती है, अर्ली साइन ऑफ एजिंग को रिड्यूस करती है, इवन ये आपके डार्क स्पॉट्स पिगमेंट के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करती है। तो आप चाहे तो नेचुरल एलोवेरा ले लीजिए, अगर आप उतना ज्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं, नेचुरल एलोवेरा आपके पास नहीं है, तो आप मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा मिलते हैं, आप वहां से कोई भी एलोवेरा ले सकते हैं। प्लस एलोवेरा में प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे कलर को फेयर करने की, हमारी ब्यूटी को निखारने की। इसके साथ में ये अर्ली साइन ऑफ एजिंग के ऊपर भी काम करता है, हमारे रिंकल्स फाइन लाइंस को भी हटाता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर भी काम। अब हम इसमें डाल रहे हैं एसेंशियल ऑयल, मेरे पास लेवेंडर का है। लेवेंडर ऑयल की जो खुशबू होती है ना, ये हमारे स्किन को, हमारे दिमाग को एकदम शांत कर देती है।
ऊपर किसी भी प्रकार के स्कार्स हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट्स हैं जो कि जा ही नहीं रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप कोई भी एक एसेंशियल ऑयल ले लो, एक से दो बूंद आपने उस ऑयल की लेनी है, मैं आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में बता रही हूँ। उसमें आपने डालना है कोई भी कैरियर ऑयल साथ में, ठीक है, इनको आपको मिक्स करना है अच्छे से और कॉटन की हेल्प से आपको डायरेक्ट उस स्पॉट के ऊपर लगाना है। आप देखेंगे थोड़े दिन में ही वो स्पॉट्स वहां से गायब होने लगेंगे। तो अब जब हमारा ये ऑयल हमारे आज के इस ब्यूटी एसेंशियल में मिलेगा तो ये हमारे इस एसेंट को और ज्यादा पावरफुल बना देगा और ज्यादा परफेक्ट बना देगा हमारी स्किन के लिए। सारे के सारे इंग्रेडिएंट के फायदे, अब हम बनाते हैं हमारे इस आज के सीरम को। इसके लिए हम एक खाली बाउल ले लेंगे, सबसे पहले हम बाउल में बनाएंगे, बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किसमें करना है, कैसे इसको स्टोर करके रखना है, ये भी आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले आप एक कांच के बाउल में इसको बनाइए, आप ले हफ्ते का बैच बना के दे रही हूं, उसके आगे आप इसको दोबारा से फ्रेश भी बना सकते हैं। वैसे लंबे टाइम तक आप बना के रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा, डिस्पाइट इसमें कुछ भी आपके प्रिजर्वेटिव नहीं है तब भी ये आपका बहुत दिन तक खराब नहीं होगा। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर, एक से दो चम्मच आप इसमें रोज वाटर डाल सकते हैं, जाना चाहते हैं तो भी चलेगा, अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो आप इसमें रोज वाटर उसके हिसाब से ऐड ऑन करेंगे, मैंने दो चम्मच डाला है। अब ये चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, देखिए कितना शाइन आ गया है इसके अंदर, चमक सी आ गई एकदम। अब इसको आपने स्टोर करना है किसी भी डार्क कलर की कांच की शीशी में, जैसे कि आप देख रहे हैं डार्क कलर की है। और क्या होता है, जितने भी हमारे जो सीरम्स होते हैं, जितने भी हमारे एजिंग के ऊपर जो बनने वाले सीरम्स होते हैं, उनको डार्क शीशी में ही रखना चाहिए, जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। इसको आपने रखना है फ्रिज में ही बना के, वैसे तो अभी बारिश का मौसम है लेकिन कभी कभी सर्द गर्म दोनों चीजें हो रही हैं, तो टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है ये खराब भी हो सके। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, रात को सोने से पहले मैंने इसको लगाया है, तो आपने क्या करना है, पूरा फेस अपना अच्छे से आपने क्लीन करना है, चाहे आप मॉइस्चराइजर से करो, चाहे आप अपने फेस वॉश के साथ में करो, DIY फेस वॉश भी जो कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप वो भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। एकदम आपका फेस क्लीन होना चाहिए और उसके बाद में आपने थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ अपने पूरे फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपने लगाना है और फिर आपने मसाज करनी है। मसाज करेंगे अच्छे से ताकि हमारी स्किन के अंदर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद में आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट अपने बेड पे जाएंगे और सो जाएंगे, ना ये चिपचिप करेगा, ना आपकी स्किन के ऊपर आपको लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, एकदम आपकी स्किन के अंदर चले जाएगा। इतना ज्यादा लाइट वेटेड है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने कोई सीरम अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपकी स्किन इतना बढ़िया से ग्लो करेगा, आपको खुद फील होगा कि आपने कल जो लगाया था उसका रिजल्ट मुझे बहुत ज्यादा। वीडियो अगर पसंद आ गया तो एक लाइक दे दीजिएगा, वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि आपके काम की है और इसको आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकॉन कीजिएगा फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए। मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं, अगर वहां के वीडियोस, वहां के आपके कंटेंट आपके पसंद में आता है तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से मेरे वीडियोज देखते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहाँ फिर से शेयर करूंगी आपके लिए आपकी कोई बताई हुई, आपकी डिमांड की हुई।